नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बच्चेदानी में गांठ के कारण। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चेदानी की गांठों का कोई सटीक कारण तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वे एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोजेन अंडाशय महिला प्रजनन अंग द्वारा उत्पादित महिला प्रजनन हार्मोन होता है। बच्चेदानी में गांठें आमतौर पर एक महिला के प्रजनन योग्य वर्षों 16 से 50 वर्ष की आयु के दौरान विकसित होती है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन का स्तर उनके शरीर में उच्चतम होता है। जब एस्ट्रोजेन का स्तर कम होता है तो ये घटने लगती है, जैसा कि रजोनिवृत्ति, जब एक महिला की मासिक धर्म अवधि बंद हो जाती है के बाद होता है। बच्चेदानी की गांठों की समस्या एक आनुवंशिक परेशानी है और प्रभावित महिलाओं में अक्सर इसका पारिवारिक इतिहास पाया जाता है। अफ्रीकी मूल की महिलाओं में अन्य नस्ल की महिलाओं की तुलना में बच्चेदानी की गांठें विकसित होने की संभावना 2 से 3 गुना अधिक होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार कई कारण है जो बच्चेदानी में गांठें बनने के कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कारण इन ट्यूमर के निश्चित कारणों के रूप में नहीं देखा जाता है। बच्चेदानी में गांठें बनने के ऐसे ही कुछ कारण निम्नलिखित हैं। ये आनुवांशिक हो सकती है, महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गांठें बढ़ने का कारण बनते हैं। गर्भावस्था के दौरान ये गांठें तेजी से बढ़ती हैं, जब हार्मोन का स्तर उच्च होता है और जब एंटी हार्मोन दवा का उपयोग किया जाता है तो ये सिकुड़ने लगते हैं। जब महिला रजोनिवृत्ति तक पहुंच जाती है तो उसके बाद भी ये गांठें बढ़ना बंद हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। उपरोक्त कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी है जो बच्चेदानी में गांठ बनने की आशंका को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। वजन अधिक होना या मोटापा होना। कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो तो यदि 10 वर्ष की उम्र से पहले ही महावारी की शुरुआत हो जाती है तो जन्म नियंत्रण का उपयोग करने से, विटामिन डी की कमी होने से, बहुत अधिक रेड मीट खाते हैं और पर्याप्त हरी सब्जियां, फल या डेयरी उत्पाद नहीं खाते हैं तो भी यह आशंका बढ़ सकती है। शराब पीना भी इसकी आशंका को बढ़ा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि कुछ महिलाओं में उच्च शुगर वाले आहार को बच्चेदानी में गांठ के अधिक जोखिम से जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।